दिल्ली में अगले सप्ताह 40 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। चिलचिलाती गर्मी करेगी परेशान। बीते कई दिनों से मौसम सुहावना बना हुआ था, लेकिन अब झुलसा देने वाली गर्मी के लिए तैयार रहना होगा। अब सूरज अपने तेवर कड़े कर लेगा, इस कारण गर्मी पड़ेगी। ऐसे में तापमान में भी बढ़ोतरी होना शुरू होगी। अगले सप्ताह तक तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना है। हल्की बूंदाबांदी भी गर्मी से राहत नहीं देगी। दिल्ली NCR में बारिश का दौर समाप्त होने के बाद लगातार तापमान में बढ़ोतरी होना शुरू हो गया है। शुक्रवार को जहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री था, शनिवार को बढ़कर 35.1 डिग्री तक पहुंच गया है। हालांकि यह मई के महीने के अनुसार अब भी सामान्य से 4 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 4 डिग्री कम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान नसबगढ़ इलाके का रहा, यहाँ तापमान 36.9 व न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पीतमपुरा में तापमान 35.9 व न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रहा। शनिवार सुबह से ही तेज धूप निकली, लेकिन 12 बजे के बाद मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादलों ने डेरा डाला, साथ में धूल भरी हवा भी चली, लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कुछ इलाकों में ही हल्की बूंदाबांदी हुई और कुछ देर बाद मौसम साफ हो गया। इससे तापमान में भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मुंगेशपुर में 0.01 मिलीमीटर व पीतमपुरा में 0.01 लोदी रोड में 0.002 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 7 मई को हल्की बूंदाबांदी होगी। तापमान पहले ही बढ़ना शुरू हो गया है, यह अब और बढ़ेगा। अगले सप्ताह तक तापमान 39 डिग्री से ऊपर पहुंच जाएगा। हालांकि यह मई के औसत तापमान से कम है, क्योंकि 6 से 10 मई के बीच औसतन तापमान 39.3 में न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री रहता है, जबकि 11 मई से 15 मई के बीच अमूमन तापमान 39.5 व न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री रहता है। एक सप्ताह तक गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है।